इसी तरह से जब मंगनी हो जाती, जब एक बार अंगूठी पहनाई तो उसके बाद लड़का कहता है कि मैंने अंगूठी नहीं पहनाई थी, अब मैं मुसाफा भी कर सकता हूं। यहां हम मंगेतर के मुसाफे की बात कर रहे हैं, जबकि हमारे यहां सूरत हाल यह है कि जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं, बहुत सारे ऐसी दावतें होती हैं, ऐसी मुलाकातें होती हैं जहां मर्द और औरतें एक दूसरे से मुसाफा करते हैं और इसको अपना हक समझते हैं। खानदानों में कजन एक दूसरे से मुसाफा करते हैं, और इसी तरह से जैसे बड़ी पार्टीज होती हैं हुकूमती सतह पर, जब लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो मुसाफा करना किसी भी सूरत में किसी मर्द का किसी नामहरम औरत से, किसी औरत का किसी नामहरम मर्द से मुसाफा करना जायज नहीं है। इसी तरह से मंगेतर के साथ भी मुसाफा करना जायज नहीं है, क्योंकि मंगेतर महरम नहीं होता तो हाथ मिलाना जायज नहीं है, हराम है। इसी तरह से सऊदी मजलिस इफ्ता ने यह फतवा दिया है, किसी शख्स के लिए भी जायज नहीं कि जब तक शादी नहीं हो जाती वो अपनी मंगेतर के साथ तन्हाई इख्तियार करे, उसके साथ मुसाफा करे या कहीं घूमने फिरने के लिए निकले, क्योंकि वो उसके लिए अजनबी नामहरम है। सईदा आयशा औरतों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत के बारे में फरमाती हैं, अल्लाह की कसम बैत करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी औरत के हाथ को नहीं छुआ। बैत आप जानते हैं ना, हाथ पे हाथ रख के होती, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसी बैत नहीं ली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जुबान से बैत लेते थे, यानी जुबान से वो अल्फाज कहलवाते थे, चोरी नहीं करेंगी, जिना नहीं करेंगी, इस जैसी शिकें आप बैत के तौर पर, मुआहदे के तौर पर इस्लाम कबूल करने के बाद खवातीन से लिया करते थे। बैत निसा का तज़किरा हमें कुरान हकीम में मिलता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे बैत नहीं लेते थे, हमारे यहाँ ऐसी बैत कितने ही ऐसे अफराद हैं जो मजहबी तौर पर अपने आप को इस पोजीशन में समझते हैं कि लोग हमसे गाइडलाइन लेते हैं, जैसे पीर हैं या इसी तरह से कोई किसी खास सिलसिले से ताल्लुक रखता है। तो खवातीन सिर्फ बैत नहीं लेती, कितने ही ऐसे इस्लाम के नाम पर फ्रॉड जारी हैं जहां औरतें अपने बाल बिछा देती हैं और कोई मर्द उनके बालों पर कदम रख के आगे बढ़ता है, और किस तरह से औरतें रक्स पेश करती हैं, और इस रक्स को आप कोई भी नाम दे लें, धमाल कह लें या इसको कोई और नाम दे लें, है तो हराम काम ना।